मन हाली किरसानी करनी सरम पानी तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों इस वक्त असी पहुँचे हुए हाँ दिल्ली बार्डर के उत्ते जिथे कि मोर्चा लगाया होया किसानों ने शुरू किया मोर्चा तो हूँ मोर्चा सिर्फ किसानों ने नहीं लगाया बल्कि मैं कहना कि दुनिया का कोई यहोजा अदारा नहीं जिन्हों के नुमाइंदे इतने नहीं आए और अपना विरोध नहीं दर्ज करवाया और सिर्फ विरोध ही नहीं दर्ज करवाया बल्कि जज्बात लेके आए हुए ने अपने क्योंकि ये जो मुद्दा हैगा ये इंसानियत का मुद्दा इस वक्त बन चुका है। और मेरे नाल बहुत सत्कारयोग श्री दरबार साहिब श्री हरिमंदर साहिब के हजूरी रागी अपना जथा लैके पहुँचे हुए हैं जिवें तुसी वेख सकते हैं। भाई दविंदर सिंह जी मौजूद ने भाई सुकीन सिंह जी मौजूद ने भाई करनैल सिंह जी भाई सतनाम सिंह जी वक् वक् सारे ही रागी जथे जुझार सिंह जी खड़े ने और सारे ही बहुत सत्कारयोग ने और जिन्होंने ना सिर्फ सिख बल्कि हिंदू मुसलमान जड़े भी अकीदत रखते हैं श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के सवेरे तड़के अपने दिन की शुरुआत इन्हों की पावन रसना के राही जड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी का फलसफा सारी दुनिया में बहुत वड्डी सेवा लगी हुई है इन्हों की परमात्मा वालों सुनाते हैं तो वह भी अपने विरोध जोड़ा है वो दर्ज करवाने इस वक्त पहुँचे हुए हैं। गल कर लेंगे जी वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। जी सिंह साहब तुम सारे इतने आए हो तो बड़ी खुशी भी हो रही है बड़ी श्रद्धा मन च उमड़ रही है जिन्हों का गुरु नानक देव जी महाराज जी के नाल प्यार हैगा अंदरों ही तो गुरु नानक देव जी महाराज जी ने आप खेती की सी उपदेश दिता सीगा और कि नाम जपो वंड चको किरत करो पर अज कीर्तियां दे नाल ही धक्का हो रहा है और तुसी भी अपनी आवाज़ जिहड़ी है लैके आए हो जज्बात लैके आए हो की लग रहा है भी एक तरीके नाल जिहड़ा माहौल बनया जी कितना खूबसूरत माहौल बनया हुआ है लग ही नहीं रही कि संघर्ष हैगा ये तो इदा लग रहा है कोई असी तीर्थ स्थान के उत्ते आए हुए हैं। बिल्कुल जी ये कोई शक नहीं है क्योंकि जिवें भाई शकीन सिंह भी उपदेश चौं वरना को सांझा जिथे सारे वर्ण सांझे हो जाए उत्थे वह तीर्थ स्नान बन जाता उन्होंने लोगों का मूँह बंद हो गया जिन्होंने धर्म दुनिया से सियासत की क्योंकि इस ये संघर्ष जिहड़ा समुचा हो गया किसी कल्ले का संघर्ष नहीं है। अज इस गलों मैं इस सरकार का धन्यवाद करदा कि तुसी आप ही धर्म की राजनीति की है और लोगों ने ताडे मूँह तो चपेड़ मार के ये दस दिता है कि असी किसी नाल वख नहीं असी किसी नाल वख नहीं साडा कोई मतभेद नहीं। अज इस समागम के मैं तैनू समागम का रूप ही कहांगा भावें अंदोलन है पर ये अज मैं देख रहा हूं हिंदू वीर भी मेरे उन्नी सेवा कर रहे हैं मुसलमान वीर भी उन्नी सेवा कर रहे हैं कोई भी गुरु नानक देव जी महाराज जी ने असली फलसफा सीगा शायद इतने प्रगट हो रहा है इस तरह ही गुरु की कला होंदी है गुरु ने अपनी कला वरता के तो झूठ न भी सामने लिया हों सच न भी सामने लिया के लोगों को दिखाना हों मैं इस करके बोल के आया भी इतने सच्चे ही सच निबड़ है चुन वक कड्डे जजमा लिया सो इस करके ये जड़ा अंदोलन होया वा ना ये भी कोई गुरु की कला के हेठ हो रहा है और सच में प्रगट करने वास्ते सतगुरु ने यह सारे दस दिता कि अजे भी इंडी इस देश दे विच राजनीतिक बंदे जो मर्जी करी जान पर अजे भी लोग जड़े उन्होंने आपसी भाईचारा आपसी प्रेम प्यार वो साडा भाईचारा तोड़ नहीं सकते। तो गुरबाणी की मैनू पावन पंक्ति चेते आ रही है कि सभनी छाला मारियां करता करे सो होए बड़े लोग जोर लगाते रहे सरकारां एजेंसियां जोर लादी रही पर नहीं हिला सके जिहड़ा जज्बा हैगा गुरु नानक देव जी महाराज जी का वह प्रगट हो रहा भाई सुकीन सिंह जी नाल भी गल कर लेंदे हैं जी बिल बिल्कुल भाई करनैल सिंह जी नाल गल कर लेंदे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। यह जो किसानां दे नाल केंद्र सरकार धक्का कर रही है उहदा सारे ही वधिया ढंग तरीके दे नाल बड़े शांतमई ढंग दे नाल जिथे आपां नूं सिखां दे विच रोस है ना उत्थे अज गुरबाणी की पावन पंक्ति है चीत आवे तो सदा दयाला लोगन क्या बेचारे बुरा भला कहो किस नू कही है सगले जी तुम्हारे अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भड़े को मंदे। अज जो सच्ची सचमुची सारा कुछ उस तरह हो रहा क्योंकि जिथे सारे ही धर्मां दे जिहड़े ने ना लोग आए हुए ने बड़े शांतिपूर्वक ढंग तरीके दे नाल बैठ के ते अपना रोस जिहड़ा वो जता रहे ने ते एक केंद्र सरकार नू झुकना ही पैना है क्योंकि जो एकता हो जाती है ना जिथे जिन्नियां संगतां इत्थे पुज सकदियां ने हर एक धर्म दियां वो पहुँचियां ने पर हर एक सिख हर धर्म दे वर्ग का कोई भी है वो अपने घर दे विच बैठा ही
अरदास कर रहा कि सच्चे पातशाह इन्हां दी जित होवे। जे आपां पिछे लंगरां दे विच आए हाँ, हिंदू वीरां ने भी लंगर लगाए हुए ने, मुसलमान भाईचारे ने भी लंगर लगाए हुए ने। अज ये नहीं लग रहा कि ये एक सिखां दा किसानां दा संघर्ष है, नहीं, ये लग रहा जिवें सारे ही समुचे देश भर दा उत्थे ही महापुरख संत महापुरखां ने लंगर लाए हुए ने। उत्थे वक्रे वक्रे जथेबंदियां श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लंगर लाए हुए ने, जिथे हर एक सिख देशां विदेशां दे विच अरदास कर रहा है। उत्थे उस दिन अकाल तख्त साहब जो अखंड पाठ आरंभ करवा के श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिन्हें प्रचारक साहबान, रागी साहबान, ढाडी प्रचारक, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे प्रबंधक और सारे मुलाजमान ने रल मिल के धन धन गुरु रामदास जी महाराज के चरणों अरदास बेनती की है, सच्चे पातशाह साढ़े ते मेहर करो, जो साडा हक बनता है ना वो साड़ी जित प्राप्त होवे, ते गुरु दे अगे जिहड़ी कीती हुई अरदास है ना बिरथा के दिन होवे। जन की अरदास, सतगुरु जी जित जरूर दवाउणगे। जिथे सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो श्रोमणी रागी सभा अते होर सिख संभावां पहुँच रही ने, गुरु रामदास इस तरह ही एकता इतपाक भाईचारे दे नाल इस तरह शांतमई ढंग दे नाल जो ये अपना रोस दिखा रही ने। सतगुरु जी विच करता पुरख खलोआ, वाल ना विंगा होआ दिमा वाक अनुसार सतगुरु जी कृपा करन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो बहुत बहुत धन्यवाद है, एक बार फिर सारे के दर्शन करवा दिए और दस रहे हैं कि होर भी जोड़े रागी जथे ने हुम हुमा के इस वक्त पहुँच रहे हैं। बहुत सत्कार हैगा इन्हों का और अपनी अलग पहचान रखते हैं पूरी दुनिया के, एक अलग सत्कार रखते हैं, एक अलग नज़रिया रखते हैं। पूरी दुनिया इन्हों जो सवेरे उठ के सुनती है तो दिन की शुरुआत जी है वह गुरु रामदास महाराज जी के चरणों के उन्होंने हिरदे जड़े ने जुड़ जाते हैं और बहुत सत्कार योग ने सारिया दे, और इन्हों का धन्यवाद भी करते हैं कि भी पहुँचे ने इस संघर्ष के, क्योंकि इन्हों का अपना भी यह संघर्ष बन गया, क्योंकि साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी भी जिद जाने जाते हैं कि लंगर जड़ा है श्री दरबार साहिब के भुखे पाने लोगों के लिए कहें कि पूरी दुनिया के कोई भी जड़ा इंसान है वह भुखा सो सकता है, पर श्री दरबार साहिब श्री हरिमंदर साहिब श्री गुरु रामदास जी की नगरी के कोई इंसान कोई शख्स भुखा नहीं सो हो सकता, और उ जोड़ा अन्न हैगा वह किसान पैदा करते हैं। सो बहुत अपनी सपोर्ट देने बहुत धन्यवाद हैगा इन्हों का भी, ये भी पहुँचे ने। कैमरामैन कुलविंदर सिंह मनदीप सिंह निरपक्ष पोस्ट खबर दी निरपक्ष आवाज़, धन्यवाद। पंजाब अते पंजाबीयत नाल जुड़िया हर मुद्दा हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसी वी देवो साडा साथ, तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज, सबसक्राइब करो यूट्यूब ते अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट खबर दी निरपक्ष आवाज़। विजिट करो www.nirpakhpost.com।